पवित्र ग्रंथों के अनुसार हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। युग का अंतिम चरण जिसमें मानव जाति और प्रत्येक जीवित प्राणी का विनाश होगा ताकि इसे फिर से स्थापित किया जा सके। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब भगवान विष्णु का आखिरी अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो धर्म को फिर स्थापित करने और मानव जाति को उसके अंत तक ले जाने के लिए जन्म लेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिनमें कल्कि अवतार का वर्णन है, उनमें यह भी बताया गया है कि यह अवतार कब और कहां जन्म लेगा। शाम्बाला एक ऐसा संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है शांति का स्थान, और माना जाता है कि यह एक पौराणिक स्वर्ग है जिसका उल्लेख पवित्र विष्णु पुराण सहित कई तिब्बत बौद्ध और हिंदू पवित्र ग्रंथों में है। विष्णु पुराण के अनुसार शाम्बाला वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का अंतिम अवतार यानी कल्कि का जन्म होगा। उनका जन्म कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का प्रतीक होगा। आज के इस वीडियो में हम भगवान कल्कि के बारे में नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अडोल्फ हिटलर। हिटलर ने भी शाम्बाला को ढूंढने की कई कोशिश की थी, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। हिटलर के बारे में कई बार ऐसा बताया जाता है कि उसे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में कई अधिक रुचि था। हिटलर सिर्फ शाम्बाला को ढूंढना ही नहीं बल्कि वहां पर घेराबंदी करना चाहता था। जिस चीज ने हिटलर का ध्यान आकर्षित किया वह गुप्त ज्ञान था जिसने उसके थियोसॉफिकल जुनून को बढ़ावा दिया। यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिटलर अपनी यंग एज में अमेरिकी भारतीय संस्था में दाखिला ली थी जहाँ पर उसने कई प्राचीन चीजें जानी, जिस वजह से उसकी रुचि प्राचीन ग्रंथों की ओर बढ़ती गई। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन से परिचित होने के बाद हिटलर की रुचि थियोसॉफी में और ज्यादा हो गई थी। बाद में वह जर्मनी में अल्टीमार तुले नामक रहस्यमय सभा में शामिल हो गया जहाँ से नाजी पार्टी की कल्पना की गई थी। जो लोग उसके अस्तित्व के बारे में गहराई से जानते हैं वे जानते होंगे कि सत्ता में आने के तुरंत बाद हिटलर ने म्यूनिक यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के नेतृत्व में एंशियंट स्क्रिप्ट्स को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। कई लोग संस्कृत में उनकी रुचि पर सवाल उठाएंगे, स्वास्तिक तो याद होगा। ऐसा माना जाता है कि शाम्बाला को खोजने की उनकी प्यास को संतुष्ट करने के लिए हिटलर ने खोजकर्ता स्वैन हेडलिंग की सहायता से तिब्बत में अनगिनत अभियानों का आयोजन किया था। इनमें से एक अभियान के दौरान उन्हें सौभाग्य और समृद्धि वाला पवित्र इंदु चिन्ह के बारे में जानकारी दी गई। तब से नाजियों ने अपने लक के लिए पवित्र इंदु चिन्ह को अपनाया। लेकिन कर्म का फल तो सबको मिलता है, रावण को भी मिला था तो हिटलर को भी मिलना ही था। लोगों का कहना है कि यह एक ऐसी भूमि है जहाँ केवल प्रेम और ज्ञान ही शासन कर सकते हैं, और जो इसमें प्रवेश करेगा उसे अंत और उसके भी आगे की शक्ति प्राप्त होगी। इस ज्ञान ने हिटलर को शाम्बाला को खोजने और उसका पता लगाने का लालच दिया। हालांकि उन्हें यह कभी मिला नहीं, लेकिन उन्होंने अगरता साम्राज्य से संपर्क करने का दावा किया। अगरता साम्राज्य वह स्थान है जो शाम्बाला के सबसे निकट है। प्राचीन हिंदू विद्वान इसे आर्यवर्त कहते हैं, लेकिन पूरे एशिया में इसे कई नामों से जाना जाता है। 1938 में उन्होंने 5 जर्मन की एक टीम को इस खोज अभियान पर तिब्बत भेजा। टीम के 2 सदस्य बाकियों से अलग दिखे, उनमें से एक थे ऑन्स्टन शेफर जो कि पहले भी 2 बार भारत, चीन और तिब्बत पर रिसर्च कर चुके थे। दूसरे प्रमुख व्यक्ति थे ब्रूनो बेगर जो एक युवा मानव वैज्ञानिक थे। बेगर तिब्बत के लोगों की खोपड़ी और चेहरे की विवरण का माप लेते और उसका मास्क बनाया करते थे। 5 जर्मनों को ले जाने वाला जहाज जुलाई 1938 की शुरुआत में श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा। वहां से उन्होंने भारत के मद्रास और फिर वहां से कोलकाता ले गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें तिब्बत जाने से रोक रही थी, लेकिन आखिरकार नाजी टीम की संकल्प की जीत हुई। वर्ष के अंत तक 5 जर्मन तिब्बत में प्रवेश कर चुके थे। युद्ध के कारण अगस्त 1938 में जर्मन अभियान अचानक छोटा कर दिया गया, लेकिन तब तक बेगर ने 376 तिब्बतियों की खोपड़ी और चेहरे के निशान माप लिए थे और 2000 तस्वीरें भी ली थी। उन्होंने 2000 प्राचीन कलाकृतियों के टुकड़े को भी एकत्रित किया था। क्योंकि अभियान बंद हो चुका था, हिटलर ने अंतिम क्षण में टीम के लिए कलकत्ता से बाहर जाने की व्यवस्था की, और जब उनका विमान म्यूनिक में उतरा तो उनका स्वागत स्वयं हिटलर ने किया था। शेफर अपने अधिकांश तिब्बतीय खजानों को सल्जरबक के एक महल में ले गए और वहाँ युद्ध के दौरान वही मर गए। कहा जाता है कि इनमें से कई चीजें खो गई। जैसा कि विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है, शाम्बाला वह भूमि है जो मानव जाति की नियति को संभाले हुए है। एक दिव्य साम्राज्य है जहाँ केवल भगवान की इच्छा शासन करती है। ग्रंथों के अनुसार शाम्बाला की रक्षा कई दिव्य शक्ति और प्राचीन सभ्यता द्वारा की जाती है। जब मानव द्वारा विनाश से संपूर्ण सृष्टि का मूल खो जाएगा, तब कल्कि अवतार अपनी शक्ति को प्रकट करेंगे। एक बार जब मानव जाति का विनाश संपूर्ण तरीके से हो गया, शाम्बाला दुनिया पर कब्जा कर लेगा और पवित्र मूल निवासियों को सतयुग में ले जाएगा। सवाल अब भी वही है, क्या हिटलर को सही में शाम्बाला मिल चुका था, लेकिन वह जाने से पहले ही उसका